ये फेस्टिवल कृष्ण के भक्तों के लिए हो जाते हैं, इसे इसका मैनेजमेंट का नहीं है, आपका है। ये नोएडा वासियों के लिए विशेष है, नोएडा वालों अभी हमें वीडियो में ये बता रहे थे कि ये वो फेस्टिवल है जो जाति पाति और रंग भेद से ऊपर है, क्योंकि कृष्ण कृष्ण का अर्थ ही है संपूर्ण आकर्षण, क्योंकि किसी भी बैकग्राउंड का हो लेकिन कृष्ण से सभी आकर्षण है। कृष्ण लव्स एवरीवन एंड एवरीवन लव्स कृष्ण, ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। हमारे मंदिर में केवल हिंदू नहीं आते, हम धर्म के लोग और क्षमता के हर फेद के लोग आते हैं। स्पेशली आप हमारे वृंदावन मंदिर में देखिए, वह सभी नृत्य करते हैं कीर्तन में, उससे एक बात साबित होती है कि आध्यात्मिक जो स्तर है वो इस जाति पाति और रंग भेद से बहुत। आपका नाम कीजिए। बुद्धिमंता दास। गुरु जी, जैसे जिसमें जन्माष्टमी का प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है, किस तरह का प्रोग्राम होगा, क्या क्या विशेषताएं रहेंगी इस बार जन्माष्टमी में, और किस किस तरह की सुरक्षा रहेगी इस बार? हरे कृष्णा। सबसे पहले तो बहुत खुशी हो रही है हमको सारे नोएडा वासियों को आमंत्रित करते हुए श्री कृष्णा जन्माष्टमी महोत्सव में। जैसे हम जानते हैं ये हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का, हमारे देश का सबसे बड़ा आध्यात्मिक उत्सव है और जिसको सभी बहुत हर्षोल्लास और जोश के साथ मनाते हैं। तो इसको नोएडा का भी ऐसे ही प्रयास है हर वर्ष की तरह, इस साल भी इसको बहुत ही अच्छी तरह से इसको मनाने का आयोजन चल रहा है। बहुत डेकोरेशन होगी यहाँ पर मंदिर की, अभी सजावट स्टार्ट हो चुकी है, डेली काम चल रहा है, फूलों का काम चल रहा है, डेकोरेशन का, लाइट का, और कम से कम 5 लाख लोग हम उम्मीद कर रहे हैं उस दिन आएँगे दर्शन करने के लिए। उन सभी के लिए पूरा प्रसाद का आयोजन है। सुबह 4 बजे मंगल आरती के समय मंदिर खुल जाएगा और उस दिन रात तक, मध्य रात्रि तक दर्शन, राधा गोविंद देव के ठाकुर जी के दर्शन खुले रहेंगे और दर्शन करने वाले पूरा दिन आते रहेंगे श्रद्धालु लोग। और हमारा ये आयोजन है, हमारा प्रयास है हमारी टीम का कि उनको बहुत ही सुगमता से, बहुत सुरक्षा के साथ उनको भगवान के दर्शन हो जाए, क्योंकि लाखों लोग आएंगे। इसके लिए हमने क्राउड कंट्रोल व्यवस्था की है, हमारे 1000 के करीब स्वयं कार्यकर्ता हैं जो भक्त हैं जो क्राउड कंट्रोल करेंगे, 500 यूनिफॉर्म वाले सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे हमारे, और पूरा नोएडा पुलिस प्रशासन का बहुत सहयोग है, वो भी रहेगी पुलिस फोर्स यहाँ, और SSP साहब खुद आके इसको एग्जामिन कर रहे हैं, SPC की भी सबका बहुत सहयोग है हमें। तो रंगारंग कार्यक्रम होगा, बाहर बहुत भव्य मंच लगा होगा, मेन रोड पर स्टेज प्रोग्राम चलेगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें हरे कृष्णा नृत्य नाटिकाएँ होंगी, ड्रामाज होंगे भगवान की लीलाओं पर, संगीत में कार्यक्रम होगा और हमारे भक्तों का हरे कृष्णा रॉक शो होगा जो ऑर्केस्ट्रा बैंड है, और सबके लिए प्रसादम चलता रहेगा, प्रसादम, ड्रिंकिंग वाटर, शरबत, क्योंकि गर्मी बहुत होगी, इस हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। और प्रयास यही है कि सब अपना जीवन सफल बनाएं, भगवान के दर्शन पाए उस दिन आकर और उनके जीवन में तनाव मुक्त हो जाएँ, आनंद यहाँ से लेकर जाएँ और सभी सुरक्षा से इस फेस्टिवल में भाग। बात करें जन्माष्टमी की, जन्माष्टमी और क्या श्रद्धालुओं के लिए कोई विशेष विशेषता झांकी होगी कोई? यस, विशेष झांकियाँ इस बार हैं, बहुत सुंदर भगवान की झूला झांकी है जो बाहर मेन रोड पर बहुत भव्य झूला लगेगा, उसमें बाल रूप में कृष्णा बैठेंगे, तो सभी श्रद्धालु लोग उनको झूला दे सकते हैं आके, ऐसे रहेगी। और हम मंत्रा मेडिटेशन करवा रहे हैं उस दिन, जप योग का बहुत बड़ा एक स्टॉल रहेगा, क्योंकि बहुत तनावग्रस्त है लोग आजकल, लाइफ इज़ वेरी स्ट्रेसफुल, तो उनको हम सिखाएंगे कि कैसे अपने मन पे नियंत्रण करके आप एक सरलता से बहुत ही आनंदमय जीवन बिता सकते हो। तो उस दिन हम मंत्रा मेडिटेशन, एक हरे कृष्ण महामंत्र का जप के द्वारा उनका अपने मन को कैसे कंट्रोल करना है ये भी सिखाएंगे। और हमारा गोविंदा रेस्टोरेंट है, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट गोविंदा, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे व्यंजन बनते हैं, उसका स्टॉल लगा होगा गोविंदा प्रसादम का, तो जो भी आएंगे लोग, एक मेला लगा होगा बाहर बहुत बड़ा, सबका मन करेगा कुछ खाने पीने का, वो भी बहुत अच्छा अच्छा आयोजन किया गया है। देखा जाए तो जन्माष्टमी पर खासतौर भीड़ रहती है, क्योंकि कितने उम्मीद है कि इस बार कितने श्रद्धालु आ सकते हैं इसमें? हमें 5 लाख से अधिक उम्मीद है इस बार श्रद्धालुओं की, क्योंकि लास्ट ईयर जो स्कोर है हमारे पास 4.5 लाख के करीब लोग आए दर्शन करने। ये वो उत्सव है कि उस दिन कोई जाति पाति से ऊपर आइए, रंग भेद से ऊपर आइए, कृष्णा सभी को प्रिय हैं और कृष्ण सभी को प्रिय हैं। इसलिए हमारा ये व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है कि पूरा नोएडा उस दिन आता है, पूरा नोएडा के निवासी जो कभी भी मंदिर नहीं आते, लेकिन उस दिन पूरा नोएडा का सबका हमें सपोर्ट रहता है, प्रेम रहता है, तो इसलिए बहुत धूमधाम से हम
तो जब 5 लाख की भीड़ इस झांकी में निकलेगी जन्माष्टमी के अवसर पर आएगी, तो क्या सिक्योरिटी के पर्पज से कोई सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई है, क्या पुलिस प्रशासन से कोई सुविधा? मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरे पीछे सीसीटीवी वाले काम कर रहे हैं, अभी उन्हीं से बात हो रही थी। हम अबाउट 100 के करीब सीसीटीवी कैमरा बाहर हमारे प्रांगण और रोड पर रहेंगे, जहाँ पर ये पंडाल का फेस्टिवल चल रहा है, और टेम्पल प्रॉपर्टी के अंदर फिक्स हमारे सीसीटीवी कैमरा ऑलरेडी है। उसका एक मॉनिटर रूम बन रहा है जिसमें पुलिस फोर्स बैठेगी और उसको मॉनिटर भी करेगी।